Hi friends, today I will show you this Class D amplifier PDF and CV. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना. अभी एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. हे गाइस, तो देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है वो हमारी क्लास डी एम्पलीफायर की है. तो ये जो एम्पलीफायर है आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं और भी वीडियो डाली हुई है इसकी. तो इस वीडियो की एक ख़ास वजह है बनाने का, वो है आप एक पीसीबी कैसे बना सकते हैं घर पे और हैवी क्वालिटी का, मतलब प्रिंट करने के समय कहीं पर क्रैक वगैरह हो गया तो प्रिंट अच्छी तरीके से नहीं आया, पीस भी अच्छे तरीके से नहीं आया. जो हम कॉपर प्लेट बोर्ड को डुबाते हैं फेरिक क्लोराइड वगैरह के अंदर तो उस टाइम ठीक से नहीं आता है. तो चलिए आज हम दिखाएंगे कैसे करते हैं ये सब फुल इस वीडियो के अंदर, और इस बोर्ड के बारे में भी बताएंगे आज. तो कुछ देखिए, ये हमने बनाया है तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, ये हम फोटो पेपर के ऊपर प्रिंट करके लाए हैं. आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप प्रिंट करने जाओगे तो उन्हें बोलना पड़ेगा आपको कि भाई सर, ये प्रिंट की जो हमारी इंक होती है वो डार्क कर देना. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कर देना. ठीक है, ये बोलना है आपको. ठीक है, तो आप देख सकते हैं. फिर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए. देख सकते हैं इसकी साइज़ हम कट लिए हैं, कट करके इसे हम इसके ऊपर चिपक देंगे. फर्स्ट मैंने ये 200 वाट की क्लास डी को बनाएंगे तो इसके ऊपर ऐसे देना है. ठीक है, लगाने के बाद वही हमारी सेम प्रोसेस. ठीक है, आयरन मशीन से इसके ऊपर प्रेस करके इसे उठा दिया आफ्टर 10 मिनट्स. ठीक है, देख सकते हैं आप, ये काफ़ी शानदार लग रहा है. आप पहले कभी ऐसा पीस भी देखे भी नहीं होंगे मुझे लगता है, और जो बना सकते हैं वो तो काफ़ी अच्छा बात है. और आप ये पीस भी को देखिए ज़रा, ये काफ़ी अच्छा हुआ है. और इसे हम अब फेरिक क्लोराइड के अंदर डुबो देंगे. ठीक है, तो इसके अंदर हम डाल दिए, फिर इसे हिलाते रहेंगे कुछ देर, मिनिमम 5 मिनट्स. आफ्टर 5 मिनट्स देखते हैं ये क्या होता है. देखिए, अब देखिए ये कैसा लग रहा है, मतलब ये काफ़ी शानदार लग रहा है. आप भी समझते होंगे कि ये कैसा पीस भी बनी है, कहीं पर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, ये सारी जगह पर बहुत अच्छी तरीके से कवर कर दिया है. तो इसके ऊपर आपको एक झटाक से क्या करना पड़ेगा, ब्लैक को हटाने के लिए, ब्लैक जो डस्ट है उसको हटाने के लिए पेट्रोल की ज़रिए इसके ऊपर पेट्रोल डालना है, फिर इसे पोंछ लेना है. तो देखिए ये पूरा फुल क्लीन हो गया है, कितनी शानदार लग रहा है, मैं सोच के हैरान हो जा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. ठीक है, आप देख ही सकते हैं. चलिए इस बोर्ड को हम कंपोनेंट की ज़रिए भर देंगे किसी दूसरे वीडियो में, और इसकी साउंड टेस्टिंग वीडियो भी हम लाएंगे बहुत ही जल्द. ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही. तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.
हे गाइस, और एक बात, स्टे सेफ स्टे होम, COVID-19 आपके लिए खतरा बन सकता है, तो कृपया घर से बाहर ना निकले।